हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जो हमारा फिफ्थ रूल बच गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का, उसको करने जा रहे हैं। ये रूल बिल्कुल भी इजी है, बस आपको इस रूल को ध्यान से समझना है, ठीक है। जैसे आपकी इक्वेशन जो होगी, जो आपको क्वेश्चन में इक्वेशन दी गई होगी, वो उस इक्वेशन को आपने इस फॉर्म में बनाना है, एक्स रेस्ट टू पावर ए वाई रेस्ट टू पावर बी इंटू एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स रेस्ट टू पावर ए डैश वाई रेस्ट टू पावर बी डैश एम डैश वाई डी एक्स प्लस एन डैश एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। देन अगर ये इक्वेशन बन गई आपकी, तो एक्स रिश टू पावर एच वाई रिश टू पावर के जो होगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा उस इक्वेशन का, ठीक है। वेयर ए प्लस एच प्लस वन अपॉन एम इक्वल टू बी प्लस के प्लस वन अपॉन एन, और ए ए की जगह क्या आ जाएगा, ए डैश प्लस एच प्लस वन अपॉन एम डैश, ठीक है, प्लस इक्वल टू बी डैश प्लस के प्लस वन अपॉन एन डैश, ठीक है। ध्यान से समझना गाइस कि अगर आपको इक्वेशन दी होगी, ऐसी इक्वेशन दी होगी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में, ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको डी एक्स वाली टर्म भी लानी पड़ेगी, एक डी वाई वाली टर्म भी लानी पड़ेगी इसके अकॉर्डिंग, इस जो रूल है इसके अकॉर्डिंग। मीन आप यहाँ पे पूरी की पूरी डी एक्स वाली टर्म नहीं रखेंगे, जो यहाँ पे डी वाई वाली टर्म जो आपको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ दी गई होगी ना टर्म, तो एक टर्म यहाँ पे भी आएगी, मैक्सिमम टाइम यहीं पे गलती हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ वाली जो टर्म होगी एन डी वाई वाली टर्म, उसका कोई एक पार्ट जो है यहाँ पे भी ऐड होगा, ठीक है, डी एक्स, क्योंकि आपकी फॉर्म इस आपकी इक्वेशन जो है इस फॉर्म में बनानी है आपने, एक्स इज पावर ए वाई रेस्ट पावर बी इंटू एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स इज पावर ए डैश वाई रेस्ट पावर बी डैश, जो ये ए बी है और ए डैश बी डैश है, ये आपकी सिर्फ वैल्यू होगी, जैसे एक्स कॉमन यहाँ पे एक्स की वैल्यू जैसे थ्री कॉमन आ गई, वाई की वैल्यू फोर कॉमन आ गई, तो वो वैल्यू होंगी, सिमिलरली यहाँ पे भी वही वैल्यू होंगी, जैसे यहाँ पे कोई भी कुछ भी वैल्यू आ सकती है, अब कॉमन वो इक्वेशन पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे एक्स की पावर कितनी कॉमन आएगी, वाई की पावर कितनी कॉमन आएगी, ठीक है। और ये जो रिलेशन आपको नीचे दी गए है ना, ये रिलेशन आपको दे दी गए हैं एच और के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ये जो दो रिलेशन दिए हैं आपको, ए प्लस एच प्लस वन अपॉन एम इक्वल टू बी प्लस के प्लस वन अपॉन एन, और ए डैश प्लस एच प्लस वन अपॉन एम डैश इक्वल टू बी डैश प्लस के प्लस वन अपॉन एन डैश, क्योंकि आपको क्या बोल लगे, अगर आपकी इस इक्वेशन में जो इक्वेशन है इस फॉर्म में बन जाती है, तो एक्स रिस्ट पावर एच वाई रिस्ट पावर के जो होगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, तो ये एच और के भी आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जो कि ये चीज देगी, ये रिलेशन देंगे, ठीक है। अब हम इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, ताकि ये जो हमारा रूल है, जो लास्ट रूल है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का, वो हमारा पूरा की पूरा अंडरस्टूड हो जाए, ठीक है। जैसे आपको इक्वेशन दे दी गई है, देखो अब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई में दी है ना आपको इक्वेशन, तो सबसे पहले अब आपको वो रूल याद होना चाहिए, कि वो फॉर्म याद होनी चाहिए कि वो है एक्स रिस्ट पावर ए वाई रिस्ट पावर बी एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई, ठीक है, प्लस एक्स रिस्ट पावर ए डैश वाई रिस्ट पावर बी डैश एम डैश वाई डी एक्स प्लस एन डैश एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो की फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे आपकी इक्वेशन आ गई थ्री एक्स स्क्वायर वाई रिस्ट पावर फोर प्लस टू एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस टू एक्स क्यू वाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब आपको मैंने बोला कि यहाँ पे एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई बनना है, तो एक तो डी एक्स का कंपोनेंट यहाँ पे रहेगा, पर जो एक डी वाई का कंपोनेंट है वो यहां से लाना पड़ेगा। अब आपने वो वाला कंपोनेंट लाना है, जैसे यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर वाई रेस्ट पावर फोर, मीन एक्स की पावर भी एक से ज्यादा है, ठीक है, वाई की पावर भी एक से ज्यादा है, यहाँ पे भी एक्स की पावर एक से ज्यादा है और वाई की पावर भी एक से ज्यादा है, तो बेटर है कि आप यहाँ से इसको टू एक्स क्यूब वाई क्यूब को लाएं यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर निकल जाएंगी आपकी कॉमन, ठीक है, तो आपकी कॉमन पावर क्या आएगी, यहां से एक्स स्क्वेयर और वाई रेस्ट पावर थ्री आ गई, तो अंदर क्या बच गया, थ्री वाई, क्योंकि एक्स स्क्वेयर वाई रेस्ट पावर थ्री आपने बाहर निकाली, तो एक वाई बच गया, ठीक है, थ्री वाई इंटू डी एक्स मल्टीप्लाई कर रहा था, ठीक है, प्लस अब आपने ये वाली टर्म लाई, ठीक है, प्लस यहां से एक्स स्क्वेयर निकल गया, तो यहां पे क्या बच गया, सिंपल एक्स और वाई क्यूब निकल गया, तो वाई क्यूब यहां से भी पूरा की पूरा निकल गया, तो बच गया टू एक्स डी वाई, ठीक है, प्लस अब आपने सेकेंड वाली टर्म एम डैश वाई डी एक्स में बनानी है, ठीक है, प्लस एन डैश एक्स डी वाई में, ठीक है, तो यहां से अब आपके पास क्या बच गई, एक ये टर्म बच गई, ये एक माइनस एक्स के डी वाई वाली टर्म बच गई, तो यहां से क्या निकल सकता है, कॉमन एक्स निकल सकता है, कॉमन, ठीक है, निकाल लिया अपने एक्स, तो यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की पावर वन आ गई, वाई की पावर कितनी आ गई, जीरो, क्योंकि अब वाई तो कॉमन निकल नहीं सकता था, ठीक है, तो आप वाई की पावर को कैसे लिख सकते हैं, जीरो, क्योंकि समथिंग रेस्ट टू पावर जीरो इक्वल टू वन के बराबर होता है, ठीक है,
तो यहाँ पे तो ऐसे करके लिख सकते हैं ना इसको इक्वेशन की फॉर्म में बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 2y dx, ठीक है, 2y dx, क्योंकि x कॉमन ले लिया गया है, और यहाँ पे आ गया -x(dy=0। अब सिंपल सी है कि आपको इक्वेशन लर्न है, उसके साथ आपने इसको कंपेयर करना है, जो कि x^a y^b my dx + nx dy +x^a - y^b (m'y dx + n'x dy)=0, ठीक है। तो वी गेट, अब देखिए यहाँ पे x^a y^b, शुरू से करेंगे हम शुरुआत, ठीक है। तो x^a y^b यहाँ पे इसको कंपेयर करना है ना इसके साथ, तो x^a y^b, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, पावर है जो कि है x की पावर, तो कितनी है 2, तो x^a, a मीन्स 2, तो a की वैल्यू आ गई 2। सिमिलरली y^b, मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। और m की वैल्यू, क्योंकि आपकी इक्वेशन है my dx, तो my dx, तो m क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। और मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएंगी वो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट टर्म होगी, काउंटिंग होगी कोई ना कोई, ठीक है, वही पावर ही आएगी यहाँ पे, ठीक है, कोई एक्स वाई की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एन की वैल्यू nx dy है, तो nx dy, तो एन क्या आ गया 2 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे a डैश x^a a डैश की वैल्यू है 1, और y^0 लिख लीजिए आप अपनी इक्वेशन को ऐसे बनाने के लिए, ठीक है। तो b डैश की वैल्यू आ गई आपकी 0, ठीक है। अब m डैश की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपकी 2, और n डैश की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या आ गई -1, ठीक है। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो इसका निकलेगा वो निकलेगा x^h और y^k, ठीक है, उसके बराबर होगा, ठीक है, वेयर a + h + 1, जो कि आपकी इक्वेशन में दिए गया है, डिवाइडेड बाय m = b + k + 1/n, और a′+h+1/m′=b′+k+1/n′ के बराबर, ठीक है। तो अब जो आपकी वैल्यू आ गई ऊपर से सारी की सारी, उनको यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। पुट करने के बाद आपके ये रिलेशन बन गए, ये तो मिल ही जाएंगे आपको यहाँ, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो आपके रिलेशन बन जाएंगे। तो आपकी ये दो रिलेशन बन गए, क्या बन गए, 2h - 3k - 6=0 एंड h+2k+4=0, ठीक है। अब आप जब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, तो आपने सॉल्व करने के इन इक्वेशनों को सॉल्व करने के सभी मेथड पढ़े हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। तो जो आपको मेथड सही लगता है आप वो लगा दीजिए, जैसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दिया, ठीक है, बेहतर है कि आप एलिमिनेशन लगा दो, एलिमिनेशन से आपका इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2h है, तो इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि 2h यहाँ पे भी बन जाए, और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ताकि h वाली टर्म कट जाए और आपकी k की वैल्यू आ जाए, और फिर k की वैल्यू जो आएगी उसमें h की वैल्यू में जो कोई भी इक्वेशन होगी उसमें पुट कर दीजिए, तो h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जब आप इसको किसी मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है, अब ये मेथड तो आपने सीखे हैं तो इसको आप कर लेंगे, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी एच की वो आएगी 0, और के की वैल्यू आएगी -2। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x^h y^k, ठीक है, तो x^h की वैल्यू क्या आ गई 0, और y^k की वैल्यू क्या आ गई -2, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया 1/y². तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है उसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आपकी गिवन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया उसके साथ, तो आपका क्या आ गया 3x²y²+2x/y (dx+2xy-x²y)²(dy=0), विच इज एग्जैक्ट इक्वेशन एंड इट सोल्यूशन इज गिवन बाय। अब सोल्यूशन तो आपको पता है कि वो फॉर्मूला लगाना है, इंटीग्रेशन ट्रीटिंग वाई एज ए कॉन्स्टेंट (m dx+) इंटीग्रेशन टर्म इन एन नॉट कंटेनिंग x dy = c के बराबर, ठीक है। तो आपने लगा दिया फॉर्मूला, तो यहाँ पे अब वाई वाली टर्म आपने कॉन्स्टेंट ट्रीट करनी है, ठीक है, और 3 भी है, क्या है कॉन्स्टेंट, और 3y² आप बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बच गया आपका इंटीग्रेशन x²dx+, यहाँ से आप 2/y कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बच गया इंटीग्रेशन x dx, और यहाँ पे टर्म इन एंड नॉट कंटेनिंग x। अब ये वाली पहली टर्म कंसिडर कर लीजिए, यहाँ पे तो x है, मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे भी x है, ठीक है, तो ये दोनों टर्म में x है n की टर्म में, तो ये फिर पूरी की पूरी टर्म किसके बराबर होगी 0, क्योंकि हमने वही टर्म लेनी थी जिसमें एक्स नहीं है, पर यहाँ पे तो एक्स दोनों टर्म में है, तो आपकी ये टर्म आ गई 0, तो =c के बराबर। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे करोगे तो 3y² × x³/3 बन जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x³ × y², ठीक है, x³ × y² + 2/y, जब एक्स की इंटीग्रेशन करोगे तो x² / 2 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x² / y = c।
ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो ये था आपका फिफ्थ रूल के रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस तरह से हमारे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के पांच रूल हैं, वो पांचों के पांचों कंप्लीट होते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू।